Standard. Now we're going to study the more four theorems. One of the theorems is an alternate angle test. Right? Now see, that theorem given the textbook mein clearly diya hua hai. If a pair of alternate angles formed by the transversal of two lines is congruent, that means what? Alternate angles are congruent. Right? Then either then two lines are parallel. अब ये if है, if से congruent तक ये क्या पार्ट मैंने हमने बताया हमने ये अब दें बिफोर होंगी if होगा तो that's called what क्या बोलेंगे हम इसको if होगा तो given part है तो ना उसके बाद में then होगा तो क्या है वो proof करने का है तो इधर they will give you only this much या तो वो देंगे proof alternate angle test they will give you या वो लोग देंगे this statement देंगे This is the what your question. अभी हम लोगों को आंसर क्या आएगा पहले डायग्राम ड्रॉ करने का टू लाइन्स दो लाइन बोला करेक्ट डायग्राम क्या आएगा ये दो लाइन है लाइन एल और एम ये दो लाइन है बट ये नॉट पैरेलल पैरेलल तो हमें प्रूव करने का है ड्रॉ करो एक ट्रांसवर्सल एंड ट्रांसवर्सल करेक्ट अब यहाँ पर बोला है ये दो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है सो ये दिस एंड ट्रांसवर्सल इसमें दो मिलेंगे अपने को ऑल्टरनेट एंगल सो इधर ले लो ए इधर ले लो बी दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट योर ऑल्टरनेट एंगल्स नाउ विद हेल्प ऑफ दीज टू ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूफ कर लेता है दीज टू लाइंस आर व्हाट पैरेलल तो प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग इधर गिवन तो फर्स्ट चार पार्ट होता है इसका पहला डायग्राम ड्रॉ करने का खुद से नेमिंग डू ऑन योर ओन उसके बाद में लिखने का गिवन गिवन कहेगा So, n line n is a transversal to line l and line m, right? Or a and b are what? Alternate angles. ओके एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी क्योंकि इन्होंने बोला है ए बी व्हाट दोनों कॉन्ग्रुएंट है ये गिवन है टू प्रूव दैट क्या प्रूव करने का हम लोग को दैट लाइन एल पैरेलल टू व्हाट लाइन एल और एम एम प्रूव करने का दोनों क्या है पैरेलल है बस आप कैसे प्रूव करेंगे इधर पॉइंट टू द सी एक पॉइंट राइट सी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रूफ सी कैसा करेंगे ना सी ना एंगल ए एंगल सी इज इक्वल टू 180 अगर क्लास होती तो मैं पूछता तुम लोग को एंगल ए और एंगल सी क्या है ठीक है नाउ एंगल ए और एंगल सी इज कॉल्ड व्हाट है ना अगर तुम लोग देखते होगे तो समझने का जब भी दिस टू एंगल्स हुआ ये दो एंगल्स अगर अगर एडजस्ट होगा तो दे आर कॉल्ड व्हाट Angles are in linear pair. Angles are what in linear pair. Correct? Now इधर हम लोग को दिया है ये मिला हम लोग को one. Now angle A is equal to what angle B? ये क्या है? Given. Angle A और angle B दोनों equal है given. अब ध्यान से सुनो इधर क्या एंगल ए ये क्या एंगल ए एंगल ए किसको इक्वल है बी को इक्वल है इन प्लेस ऑफ ए क्या पुट करने का बी तो बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट 180 इन प्लेस ऑफ ए क्या पुट करने का एंगल बी क्योंकि एंगल ए और एंगल बी दोनों का ये इक्वल है रीजन क्या है कहाँ से मिला हम लोग को फ्रॉम 1 and 2 अब बी सी कौन सा एंगल है बोलो अगर बी सी अगर एंगल है तो ये एंगल कौन सा होगा दिस एंगल ये दोनों एंगल्स पैरेलल लाइंस के अंदर है देयरफॉर एंगल बी एंड एंगल बी एंड एंगल सी आर व्हाट आर एंगल बी एंड एंगल सी आर व्हाट इंटीरियर एंगल्स देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट
इंटीरियर एंगल टेस्ट जाएगा 9 एल पैरेलल टू लाइन एम, ये दोनों इंटीरियर एंगल से, जहां पर इंटीरियर एंगल्स आ गया है ना, ये ऑल्टरनेट एंगल्स आ गया, तो हमने प्रूफ किया ये दोनों इंटीरियर एंगल से, बिकॉज ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल्स दिस टू लाइंस आर व्हाट टर्म, लाइन एल और एम दोनों क्या है, ये पैरेलल, इधर हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया हमको लाइन एल और एम बोथ आर व्हाट पैरेलल, करेक्ट। तो हमने फर्स्ट प्रूफ हम लोग का कंप्लीट हुआ। सी नाउ सेकंड थ्योरम भी सेम है, इसके पहला तो थ्योरम था ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है ना, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी कॉम्पोनेंट, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉम्पोनेंट है तो प्रूफ करने का दीज टू लाइन्स आर व्हाट पैरेलल, कल ये मैंने चेंज किया, इधर था ऑल्टरनेट एंगल्स, कट करके इधर पुट किया मैंने व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इधर और बाकी सब लाइन सब व्हाट सेम है, सेम क्या बोले इधर, इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स इज कॉम्पोनेंट, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, लाइन ए लाइन एम दोनों लाइन्स है और एम के ट्रांसवर्सल है और ए और बी कौन सा एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये डायग्राम ड्रॉ किया हम लोग ने, तो गिवन भी क्या है, लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइन एल एन लाइन एम लाइन एल लाइन एल एन लाइन वॉट एम और ए और बी, ए और बी कौन सा एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, और ए बी दोनों क्या है, ए बी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। प्रूफ करने का लाइन एल और एम दोनों पैरेलल है ना, सी इसके लिए प्रूफ के लिए एक पॉइंट इज द सी है ना, अगेन शॉर्ट डिस्टेंस सी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, अब ये दोनों कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है, कौन सा एंगल्स हो गए, ये एंगल्स फॉर्मिंग एल पी, एल पी का मतलब क्या है, लीनियर पेयर, ये मिला हम लोग को 1 है ना, लेकिन एंगल ए और एंगल बी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, वाई गिवन ये मिला हम लोग को 2, सेम सम एंगल ए एंगल ए ये दोनों इक्वल है, ए किसको इक्वल है, बी को, इन प्लेस ऑफ थीटा पुट करने का एंगल बी प्लस एंगल सी, इन प्लेस ऑफ थीटा पुट कर लोगे एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट 180, कहाँ से मिला हम लोग को ये, फ्रॉम 1 and 2, ना बी प्लस सी दोनों कौन से एंगल्स हो गए, ये दोनों एंगल्स हो गए अगेन इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट सर, बट एंगल बी एंड एंगल सी आर विच एंगल्स, आर इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, इंटीरियर होगा तो इंटीरियर एंगल टेस्ट, दोनों लाइन पैरेलल है, कौन सा लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल और एम दोनों पैरेलल है बिकॉज ये दोनों एंगल जो मिला है इसका टोटल कितना है 180, अगर इसका टोटल 180 है तो ये एंगल्स हो गए इंटीरियर एंगल्स, अगर इंटीरियर एंगल्स है दीज टू लाइंस आर व्हाट पैरेलल, एकदम इजी प्रूफ था, मतलब सेकंड प्रूफ वी हैव व्हाट कंप्लीटेड, करेक्ट। कोरोलरी पर, कोरोलरी का मतलब होता है एक वन टाइप ऑफ थ्योरम ही हो गया, जैसे इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, मतलब एक लाइन, ये लाइन एल और एम है, ये पैरेलल नहीं है, ए एल और लाइन एम है, ये लाइन एन जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो एन परपेंडिकुलर लाइन एल को और लाइन एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन वॉट एम, करेक्ट। सो प्रूफ करने का हम लोग को, अगर ये लाइन एन ये लाइन को परपेंडिकुलर है, ये लाइन को परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस टू लाइन्स आर वॉट पैरेलल, इधर हम लोग को लिखा है देन, देन से हम लोग को क्या करने का है, ये हम लोग को प्रूफ करने का है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या ये गिवन, और देन से हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सी स्टार्ट कैसे करेंगे, सी पहले डायग्राम ड्रॉ कर दिया हम लोग ने, फिर गिवन लाइन एन परपेंडिकुलर टू लाइन एल, एन किसको परपेंडिकुलर है, लाइन एल को, लाइन एन ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वो लाइन एन, गिवन क्या है, लाइन एल और एम दोनों क्या ये पैरेलल है, लाइन एल और एम बोथ आर व्हाट पैरेलल, करेक्ट। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं,
प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? सी नाउ इधर हम लोग प्रूफ करेंगे दैट लाइन एन परपेंडिकुलर टू व्हाट लाइन एल एंड लाइन एम एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू व्हाट लाइन एम. तो ये लाइन एल को परपेंडिकुलर है, ये लाइन एम को परपेंडिकुलर है. सी अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है सो एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या हो गया 90. एंगल अगर परपेंडिकुलर है याद रखने का. सी ये हमने एक साइड में पढ़ा था अगर ए बॉक्स है, बॉक्स मीन्स व्हाट 90 डिग्री. तो इधर ए है राइट और इसको एक्सटेंड करो ये परपेंडिकुलर ये भी 90 है ये भी है तो ए बी दोनों क्या हो गए ये 90. ए एंड सी सॉरी सी ले लो चलो ए एंड सी बोथ आर व्हाट 90. अब ए सी अगर दोनों इक्वल है और दोनों 90 है ए सी दोनों इक्वल है और उनका मेजर 90 तो ए सी कौन सा एंगल हो गए एक एंगल बाहर है एक एंगल अंदर. कौन सा एंगल्स हो गए दैट एंगल्स इज कॉल्ड व्हाट योर करस्पॉन्डिंग एंगल. सो एंगल ए एंड एंगल सी आर व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ए और सी करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ए और सी करस्पॉन्डिंग एंगल से सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही आना चाहिए. ऑल्टरनेट एंगल्स है तो ऑल्टरनेट टेस्ट आना चाहिए. इंटीरियर एंगल्स है तो इंटीरियर एंगल टेस्ट आना चाहिए. अभी तो कौन सा एंगल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या आएगा लाइन एल इज पैरेलल टू व्हाट लाइन एम. सो लाइन एल एंड एम बोथ आर व्हाट पैरेलल. सो तीन प्रूफ हमने अपलोड किया है जिसको प्रॉपरली रेफर करो और उसके बाद में देन टुमारो आई एम गोइंग टू पुट व्हाट 2.2 हम लोग साइंस का सम्स साइंस का दोनों इक्वेशंस और मैथ्स का सम्स वी आई एम गोइंग टू पुट व्हाट टुमारो करेक्ट. टिल देन गुड बाय.